भाई बहनों को मेरा नमस्कार। आज हम बेसन का चिल्ला बनाने चल रहे हैं। ये थोड़ा सा हमने सूजी लिया है और बेसन, उसमें थोड़ा सा हल्दी मिलाए हैं और मिर्चा पाउडर हल्का सा मिला रहे हैं। थोड़ा सा जीरा, ये हम कटा हुआ प्याज मिलाए हैं, हरी मिर्च, थोड़ा सा गाजर घिसे हुए हैं और ये टमाटर है। इसमें हम नमक मिलाएंगे। इसका हम घोल बनाने चल रहे हैं। ये मेरा घोल तैयार है। इसको हम 5 मिनट तक लिए छोड़ देते हैं ताकि सब अच्छी तरीके से नमक वमक इसमें से हो जाए। हाँ, ये मेरा तवा गरम हो गया। इसमें अच्छे से हम रिफाइन लगाएंगे। अब इसमें हम डालेंगे ये मेरा एकदम अच्छे से गोला बन के तैयार हो गया। इस पे अब इसको हम 2 मिनट धीमी गैस पे पकाएंगे ढक के। हाँ, ये मेरा एक तरफ पक गया है। अब दूसरी तरफ हम हल्का सा रिफाइन लगाएंगे। अब इसको हम पलटेंगे धीरे से। हम इसको ये पलट रहे हैं। ये देखिए, एक तरफ अच्छी तरीके से हुआ है। हम ऐसे करके दूसरी तरफ सेकेंगे। दो मिनट तक सेक लेंगे, उस तरफ भी अच्छे से पक जाए तब प्लेट में निकालेंगे इसको हम। ये देखिए दोस्तों, हम ऐसे करके सेक लिए हैं। इसको हम पलट के देखेंगे इस तरफ से। ये देखिए, दोनों तरफ मेरा अच्छे से हो गया है। अब इसको हम निकाल के दूसरा बनाएंगे इस पे। हाँ देखिए, मेरा बेसन का चिल्ला बन के तैयार हो गया है। ये चटनी हमने पहले से बनाई हुई है और क्या कहते हैं, बच्चे तो स्कूल गए हैं इसलिए हमने थोड़ा सा नाश्ते में बनाया है, बाकी रख दिए हैं, बाद में बनाएंगे। दोस्तों, इस तरह से आप भी बनाइए और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, धन्यवाद।